खुद को खाना हो या मेहमानों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट नाश्ता लेकर आई है सोनिया जी। तो हमने गेहूं के आटे के बनाने के लिए मठरी आटा लिया है हमने एक कटोरी। घर में कोई भी कटोरी का कप किसी भी नाप से ले सकते हो। हमने आधी चम्मच अजवाइन ली है तो अजवाइन को हम ऐसे क्रश करके डालें ऐसे। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, आधी चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची, और अब हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसको अब हम मथेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसको हम चेक करेंगे कि मुट्ठी बंध रही है कि नहीं बंध रही। अगर मुट्ठी नहीं बंध रही है तो उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और डालेंगे। और देखिए अब अच्छे से मोहन मिल गया है। अब देखो मुट्ठी बना के अच्छे से मुट्ठी बन रही है देखो। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। और अब हम इसमें साटा बनाएंगे रिफाइंड डाल के आटे में। और अब हम इसमें से लोई बनाएंगे। आटा तो हमने ऐसे पूड़ियों को रखते हैं जैसे रखा है। अब हम बेलेंगे इसको रोटी की तरह बेलेंगे। बगैर पलोथा नहीं हम बेलेंगे, चिपकेगा नहीं। ये देखिए रोटी की तरह हमने बेला है, ऐसे रोटी बेलते हैं जैसे। और अब हम इस पर ये हमने सांटा बनाया था इसको लगाएंगे। जो रिफाइंड ऑयल में हमने आटा घोला था बस उसको अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद में इसको एकदम रोल बनाएंगे। जो पोला होता है ना बस ऐसे ही लपेट देंगे। इससे ना हमारी जो मठरी बनेगी कई सारी परतों के साथ में एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से पोला बना के तैयार कर लेंगे। और अब पहले हम इस साइड से निकाल देंगे। ऐसे हम निकाल
निकाल लें। और अब हम इसको बेलेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अब हम फिर से अपना ये भुरा हुआ आटा लगाएंगे ताकि ये परत है ना ये खुल जाए। और ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और ये दोबारा से फिर से ये फोल्ड कर देंगे और हल्का हल्का इसको ऐसे बेल देंगे। ये हो गया। और हमने पहले एक घना सेक के रख लिया है और अब हम दूसरी डालते हैं। बिल्कुल स्लो गैस पे सेकना है। जितनी कढ़ाई में आएंगे उतनी डाल देंगे। सेकने में ध्यान देना है, बस कम आंच रखेंगे हम, लो फ्लेम, और इनको अलटते पलटते सेक लेंगे एकदम धीमी आंच पे। धीमी आंच पे सेकने से बहुत ही खस्ता बनके तैयार होगा हमारा नाश्ता, जिसको खाने में जो आनंद आएगा ना बयान नहीं कर सकते आपसे। बची हुई हम उनको भी सेक लेते। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हमारी जितनी मटरी थी सब सेक देंगे। आज हम इस नान घर में टाइल्स लगा रहे थे और सोनी देखो क्या बना के लाई नाश्ता में। अभी इस समय 4 बज गए होंगे, भूख लगने लगी हल्की हल्की, तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मटरी। मटरी, तो ये है मटरी, बहुत ही स्वादिष्ट चाय के साथ में या बिना चाय के साथ कैसे भी ले सकते हैं। चाय के साथ में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी और सफर में भी ले जा सकते हैं ना। हाँ। बहुत ही बढ़िया, सभी को हम टेस्टी करेंगे, बच्चों को करवा देना टेस्ट सभी। लो जी हो गया तैयार एकदम हेल्दी बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता नाश्ता, जिसको चाय के साथ में एंजॉय करिए और बस खाने के बाद में वाह वाह जरूर बोलेंगे। तो अभी इनको सभी बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, अम्मा को बाबा को सबको करवाते हैं। हमारा व्रत है आज, तो हम टेस्ट करके नहीं बताएंगे। एक आइडिया आया, अभी इसको टेस्ट नहीं करवाते, इसको हम सुबह चाय के साथ में दे देंगे तो नाश्ता भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगी, वो कितना बढ़िया रहेगा ना। दोस्तों अभी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी घर में थोड़ा काम चल रहा है, सोनी की किचन वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है इस समय, तो चारों तरफ धूल वगैरह उड़ रही है, तो इसीलिए ढंग से हमारी रेसिपी नहीं आ रही है और फिलहाल में सोनी ही अकेली बना रही है, क्योंकि मैं थोड़ा भाग दौड़ और काम करने में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ इसी वजह से। और बस ये कहना इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप सभी का प्यार सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल डाउन जा रहा है और आप चाहेंगे तो हमारी वीडियो शेयर करेंगे और देखेंगे, आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो आप देखेंगे ढंग से, बिना स्किप करें तो हमारा चैनल अच्छे से चलने लगेगा, तो बस यही आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। और आज सोनी ने जो रेसिपी बनाई अकेले बनाई थी और आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।